मैंने यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया है। यहाँ से अब हमने जो चूज करना है वो iOS को चूज करना है, सिंगल व्यू एप्लीकेशन को चूज करना है, ठीक है। इसको हमने नेक्स्ट करा है, यहाँ हमने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। इसका मैंने नाम रखा है UIF1। नेक्स्ट, ठीक है, और यहीं पे मैं डेस्कटॉप पे ही इसको क्रिएट कर रही हूं। मेन स्टोरी बोर्ड है मेरे पास, ये रहा। इसको हमने जूम टू फिट कर लिया है। अच्छा, रहा सवाल ये कि अगर मुझे इसके ऊपर पिक्चर्स लगानी है, कुछ भी लगानी है, आप इस पे पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हो। ये आपके पास यहाँ सफारी ब्राउजर नजर आ रहा होगा, आप इस सफारी ब्राउजर को खोलो, आपके पास ब्राउजर खुल जाएगा। टेक्स्ट गेम आइकन ले लिया मैंने, हाँ गेम बना देते हैं, पीएनजी ले लेते हैं। एंड्रॉइड पे नहीं चलेगा, ये iOS की है ना, गेम बना रही ना, गेम तो इसी तरह की सेम लॉजिक, आप गेम जो है वो एंड्रॉइड के लिए कोड करो वाला, ठीक है। सेम इमेज एज मैंने किया इसको, और इसको डॉक्यूमेंट में रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है, मैंने कहा भाई डेस्कटॉप पे रखना है, और ये टिक टैक टो गेम है, तो मैं इसको, इसका जो भी नाम है ना, टिक टैक टो करके मैंने यहाँ पे इसको करा, और ये मेरे पास यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। अब ये वाली जो मेरे पास एप्लीकेशन है, जो मेरे पास ये रही, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने इसको नीचे की तरफ मूव किया, ये मेरे पास डेस्कटॉप पे सेव हुई है। इधर आपके पास जो है ना, यहाँ पे ये आपके पास एसेट्स आ रहा है, ये इस एसेट के अंदर यहाँ ऐप आइकन आ रहा है, आपने इस पिक्चर को उठाना है और इधर ड्रैग कर देना है, सही है। जैसे ही मैंने ड्रैग किया, मेरे पास ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है। अब पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है, पहले एसेट पे क्लिक किया और इधर ड्रैग कर दिया, अब पिक्चर मेरे पास आ चुकी है। अब हम मेन स्टोरी बोर्ड पे जाएंगे, अब मुझे मेन स्टोरी बोर्ड पे यहाँ पे लगाना है, मतलब मुझे इसको सेंटर करके ना, जूम टू फिट कर लू मैं, यहाँ पे लगानी है मुझे पिक्चर। तो आप सबसे पहले यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ये फिल्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। इमेज व्यू उठाया मैंने, इमेज व्यू मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब इमेज का साइज तुम्हें कुछ भी रखना है तुम रख सकते हो, ठीक है, जो भी तुम्हें रखना है। नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप है, इसका कोई बैक एंड का कोड नहीं है, डिजाइनिंग के लिए आप पोर्ट करो या ये करो, ठीक है, मतलब कोड से काम करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही टिपिकल कोड वो है। अब ये पिक्चर मेरे पास आ गई, पिक्चर आने के बाद आपके पास ये इमेज आ रहा होगा, यहाँ आप ड्रैग करोगे ना तो आपके पास ये टिक टैक टो आ रहा होगा, ये यहाँ से अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, पिक्चर को मैं यहाँ से जैसे खींचूंगी, ये खुद ही स्ट्रेच हो रहा होगा और ये खुद ही छोटा भी होगा, सही है, बात समझ में आ रही है। अब मुझे यहाँ लेबल चाहिए, यहाँ सर्च में आ जाओ, यहाँ पे एल लिखो तो एल ए लिखोगे तो खुद ही मिल जाएगा तुम्हें, ये रहा लेबल, इस लेबल की साइज को आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो, तुम्हें लग रहा है, ठीक है, बीएनसी पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लेबल में हो गया टिक टैक टो गेम, सही है। अब इसकी जो कलर वगैरह है ना, ये रहा कलर, अब मुझे कलर का शेड कोई और सा चाहिए,
या कुछ और पिक करना है, इधर से पिक करना है, इधर से भी पिक कर सकते हो। ये रहा, कर लिया मैंने पिक, ठीक है। इसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज है वो आप इसका इंक्रीज कर दो, ठीक है, इस तरह। इस टी को हम यहाँ से क्लिक करेंगे, रेगुलर है, इसको आप यहाँ से आके इसको क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो कि भाई ये बोल्ड हो जाए थोड़ा सा, सही है। इस तरह हम यहाँ पे इसके ऊपर लगा सकते हैं, इमेज भी लगा दी मैंने, हेडिंग भी लगा दी। अब मेरे पास यहाँ पे ये है, अगर मुझे नाम लेना है, यानी यूजर का नाम लेना है, यूजर एक्स का नाम लेना है और एक यूजर ओ का नाम लेना है, तो मैं वो भी एज अ इनपुट ले सकती हूँ, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे अपना गेम स्टार्ट कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। इधर मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये रहा इसका कलर, ठीक है। हाँ, मैंने कलर पिकर से कलर ले लिया। अच्छा, अब मुझे ना बटन्स चाहिए, तो यहाँ पे हम आएंगे, नहीं लेकिन हम स्प्लैश अभी बना नहीं रहे। ये मेरे पास बटन है, मैंने इस बटन को उठाया इस तरह, अब ये मेरा एक बटन है, ठीक है। अब इस बटन के ऊपर ना मुझे ये सेट टेक्स्ट कलर, तो इसका ये आ रहा है, इसी तरीके से इसका बैकग्राउंड आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड मिलेगा, तो मैंने इस बैकग्राउंड पे क्लिक किया है। बैकग्राउंड पे मैं कोई हल्का सा शेड या कोई और कलर जो है वो आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कलर्स की शेड्स आ रहे होंगे आपके पास इस तरीके से, तो इस तरीके से आप जो है वो इसकी शेड्स बना सकते हो। ठीक है, इस तरह मैंने इसका कलर दे दिया। और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो आपकी मर्जी, ये डार्क रखना है और डार्क रखना है आप इसको रख सकते हो। व्हाइट देना है, व्हाइट दे सकते हो, व्हाइट ये खैर इतना नजर नहीं आ रहा है, ये ही सही है, ठीक है। फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें कुछ बटन लिखना नहीं है, मैंने यहाँ से मिटा दिए। राउंड कॉर्नर हम कर सकते हैं, इसके भी हम कर सकते हैं, स्ट्रेच करना है या इसके इधर स्केलिंग पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशंस और ये सब आती हैं, ठीक है, वो मैं बता दूंगी कहाँ से करेंगे। अच्छा, मेरे पास अभी फिलहाल बटन ये है, ठीक है। टेक्स मैंने मिटा दिया, यहाँ पे टेक्स लिखा हुआ था, ठीक है, डिफॉल्ट टाइटल। सही है, अब मुझे जो बटन चाहिए वो 9 चाहिए। एक तो अब यहाँ लगा है, क्या चीज चार नहीं बनाने ना, टिक टैक तो गेम के लिए बनाने भाई। हाँ, और कुछ ये उठाए मैंने, इनको थोड़ा सा सेंटराइज करा, ठीक है। एक लाइन में कंप्लीट कर लिया, कॉपी पेस्ट, ठीक है, पेस्ट।
सही, हमारे पास अब ये 9 बटन्स हैं, जिसमें से हमारे पास जो भी विन होगा या जैसा भी होगा ये उस हिसाब से यहाँ पे चलेगा। अब हम जो बटन नीचे और ले रहे हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बटन ले रही हूँ एक रीसेट के लिए और एक एंड गेम के लिए, नेक्स्ट मीन एंड गेम के लिए। ठीक है, एक ये मेरे पास है, कॉपी करा पेस्ट किया मैंने, ठीक है, इधर किया। अब इस वाले बटन के ऊपर मैंने जो है वो नाम लिखा है रीसेट, और इस वाले के ऊपर मैंने नाम रखा है एग्जिट। ठीक है, अब ये बटन बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होते हैं। क्या होते हैं ये बाय डिफॉल्ट? एम्प्टी होते हैं, समझ में आ रही है बात? इनको लिंक अप कर, ये सारे बटन हैं, सही है, बटन 1, 2, 3 जो तुम्हें अगर इनका नाम रखना है तो वो हम बाद में ही रखते हैं, ठीक है, BTN 1, 2, 3 सही है। आप इसके इधर आ जाओ इस वाले में, तो यहाँ पे क्लास वगैरह होता है और रजिस्ट्रेशन आईडी होती है, लेकिन हम यहाँ पे इसे आईडी नहीं देते हैं, इसकी आईडी वगैरह जो हम देंगे वो अपने कोड से देंगे। मैंने डिजाइन कर लिया इसको, ये डबल सर्किल नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ ये कोड खुल जाता है, ये साइड वाला मैंने यहाँ से बंद किया, ये मेरे पास कोड खुल गया है, सही है, इसको मैंने जूम टू फिट करा है। अब ये मेरा जो ये व्यू कंट्रोलर साथ में खुला हुआ है, ठीक है, मैं बता रही हूँ। अब मुझे हर बटन के लिए एक मेथड बनाना है, लेकिन मेरे पास जो हर बटन पे लॉजिक है ना, वो एक्स एंड वाई या उसकी लॉजिक सेम ही है, लेकिन मैं हर बटन के लिए अलग ही वो बनाऊंगी, मेथड कॉल करा लूंगी, लेकिन मुझे जो काम करना है वो 1, 2, 3 बटन के लिए काम करना है, तो मैंने इस पे राइट क्लिक, करके प्रेस कर रखना है और इसको यहाँ लाके ड्रैग करना है। जब मैं इसको ड्रैग करूंगी ना तो ये मुझसे बटन का नाम मांगेगा, मैंने कहा BTN 1 है, UI बटन है और एक्शन है ये, और एक्शन जब करूंगी तो इसे दोबारा UI बटन करना पड़ेगा, सही है। और अब मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ कनेक्ट, तो अब ये मेरा जो है वो कनेक्ट किससे हो गया, इस वाले फंक्शन से कनेक्ट हो गया। अब मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अगर इसी मेथड से करना है तो इसके अंदर ड्रैग करूंगी, इतना इसके बाहर ड्रैग करूंगी, ठीक है। अब मैंने इसका नाम रखा है BTN 2 एक्शन, एनी को हटाकर मैंने UI बटन रखा है कनेक्ट। इस तरह मेरे पास सारे बटन के बनेंगे, नहीं ठीक है, फिर सबको साफ करके करूंगी तो एक इवेंट बनेगा और सब पे वही कॉल हो रहा हूँ। हाँ ये देखो, एक्शन BTN 3 UI देन कनेक्ट, समझ में आई? डिजाइन कर फिर आप इसके बारी बारी लेके आओगे, फिर हम इसके अंदर जो काम करेंगे ना फिर वो आपका चलेगा, ठीक है। अभी मैं प्ले करके आपको रन करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा।
ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारे पास इस तरीके से डिजाइन आ रहा है। अभी इसकी क्लेटिंग पे कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई कोट किया हुआ नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो पहले इसको डिजाइन कर लो, फिर इसके बाद मैं आगे काम करा दूंगा। ये सारे विंड बना लो। अरे बना देते ट्रन के लिए, ठीक है। और वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या हमने यहाँ पे रखा है, जीरो रखा है, ठीक है। जीरो वन से हम इसको चला लेंगे, जो हमारी लॉजिक चल रही होती थी इफ की कंडीशन जो हम चलाते थे, ठीक है। स्विफ्ट के अंदर अगर आप इफ की कंडीशन चलाते हो तो हमारे पास इफ इसी तरीके से चलता है, कोई ब्रैकेट नहीं होते। इफ मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मेरे पास जो ट्रन है इक्वल टू अगर जीरो है तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एल्स लगाया है कि अगर एल्स है तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सही है। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो बटन वन है, ठीक है, अगर ये है तो मैंने कहा कि भाई इसका जो टेक्स्ट है वो क्या कर दो, एक्स कर दो, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ। और जो आपके पास ट्रन की वैल्यू है वो वापस क्या कर दो, वन कर दो। और अगर एल्स चलाना होगा, सही है, यहाँ पे तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि भाई बटन वन डॉट जो भी इसका टेक्स्ट है उसको इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कराएंगे, वो कराएंगे। और जो हमारे पास ट्रन की वैल्यू है वो हमारे पास वापस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे ये चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास बाकी जितनी भी चीजें हैं सबके लिए हमें यही सेम काम करना है। नहीं, ये बटन वन इसका नाम है, इसका टेक्स्ट मैं बता रही हूँ, इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मली हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसके ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए तरीकेकार अलग होता है। अब इस यही सारी चीजें मेरे पास हर उस पे जो है वो सेम चलेंगी। फर्क क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे जो भी आ रहा है, जो भी सेंडर है या जो भी है जिसने मेथड है, ठीक है, उसके ऊपर का मुझे जो है वो टेक्स्ट लिखना है। बात समझ में आ रही? मैंने यहाँ पे बटन पे टेक्स्ट लगाने के लिए जो बटन डॉट टेक्स्ट लिखा था वो हटा दिया है। अब मैंने कहा जो सेंडर एज एनी ऑब्जेक्ट, अच्छा मैं इसका जरा डिजाइन आपको ये अलग से दिखा रही हूँ, उसको खोल के इसमें से नहीं दिखा रही, ठीक है, यहाँ दिखा रही हूँ मैं। मैंने कहा सेंडर एज एनी ऑब्जेक्ट, यानी जो भी बटन है उसका जो सेंडर है एनी ऑब्जेक्ट सेट टाइटल एक्स हो अगर ये जीरो है, और अगर ये वन होगा तो मेरे पास क्या होगा, ओ होगा। अच्छा, ये हर बटन में मेरे पास सेम काम जा रहा है। अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम ये पांचों बटन के मेथड बनाओ या अपना कोई मेथड बना के एक ही मेथड से लिंक करा दो। अब इस चीज को मैं चला के दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ एक ही बटन पे लगाया है, सही है, सिर्फ बटन वन जो है उस पे लगाया है। बाय डिफॉल्ट मेरे पास ट्रन जो है वो क्या है, जीरो है, तो मेरे पास पहला क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। सेम बटन को दोबारा क्लिक करूंगी तो जीरो आना चाहिए, ओ आना चाहिए, दोबारा क्लिक करूंगी तो ये आ रहा है। हाँ, एक दफा ये आ रहा है, मतलब ट्रन चल रही है, इधर इधर नहीं है कुछ। अब इस पे भी लगा सकते हैं, उस पे भी लगा सकते हैं।
अब यही सेम कोड मैंने नीचे वाले पे पेस्ट कर दिया। तो ये तीन बटन पे पेस्ट कर रही हूँ मैं। तो ये अब मैं इसको चला दी। हमने लॉजिक नहीं लगाई है। जब हम लॉजिक लगाएंगे कि ये तीन मैच कर जाए, ये तीन मैच कर जाए, फिर हाँ फिर हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। ये तो हमारे पास हर बटन पे आ रहा है, सेम चीज आ रही है ना हमारे पास हर बटन पे। अगर ये सेम आ रही है ना, जैसे किसी मेथड में कॉल करा दो, सही है, मेथड में रख दो इसको और हर बटन पे उसी मेथड को कॉल करा दो, समझ गए। जैसे मुझे ये तीन दफा लिखना पड़ा ना, एक ही चीज है, या तो मैं एक ही मैसेज बनाती और कॉल करा देती। देखो अपने साथ मैं एक मैसेज बना रही हूँ इसी तरह। मैंने इस मैसेज का नाम रखा है बटन लॉजिक, ठीक है। क्या रखा है? बटन लॉजिक। फाइव तक तो बन चुके हैं मेरे पास, ठीक है। मेरे पास आगे के जो हैं, अगर मैं उनको कनेक्ट कर देती हूँ इस वाले से, अपनी बटन लॉजिक जो भी हमने यहाँ पे बनाई है, कनेक्ट कर रही हूँ इधर बटन लॉजिक से। इधर लाके मैंने रखा, मैंने कहा ये भी एक्शन है, ये मेरे पास बीटीएन से है, इस वाले को भी कनेक्ट कर रही हूँ मैं इस बटन लॉजिक के साथ। कनेक्ट एक्शन बस कनेक्ट हो जाएगा, ये आ रहा है, इसके ऊपर रखा, ये सारे से कनेक्ट हो जाएंगे, सही है, ये इस तरह कनेक्ट हो जाएगा, सही। अब जब ये कनेक्ट हो जाएगा ना, तो तुम यहाँ इसकी कोड कर सकते हो कि भाई बाकी जो भी है ना वो भी कनेक्ट हो रहा है। तो अब कनेक्ट में क्या है, ये सारी चीजें लिखी हुई है ना, सारे बटन से लगा दिए। तो ये एक्स्ट्रा कनेक्ट हुआ है, अच्छा ये यहां बन गया।
क्योंकि एक्स आ रहा, अच्छा इस पर भी कुछ लगा हुआ नहीं है, इन पे भी लगा हुआ नहीं है, तो वो नहीं चल रहे, ये चल रहा है, सही है, वो सेव नहीं हुआ, सही है। इस तरह आप अपनी लॉजिक, अभी जो मैंने लगाई वो ये वाली लॉजिक लगाई। अच्छा बटन के ऊपर से अब दो दो तीन तीन अगर हमारे पास गलती से लग गए हैं ना, मतलब वो वाला भी लग गया है, वो वाला भी लग गया है, तो आप मेन स्टोरी बोर्ड पे आ सकते हो। जब बटन पे आओगे, इसका आप ये साइड पैनल खोलोगे, इधर आता है इसका इवेंट, ये रहा बटन पे क्या लगा हुआ है, बीटीएन व्यू कंट्रोलर, अगर ये लगा हुआ है तो मैं यही रहने देना है, तो ठीक है कट करना है तो इसको यहाँ से कट कर सकते हो, सही है। लेट्स सपोज मैंने इसको कट कर दिया, एक मिनट इसको जूम टू फिट कर रही हूँ, इससे बटन टू का मैथड कट करा, थ्री कट किया, फोर, अब जो पीछे मैथड बने हुए ना इसका लिंक खत्म हो जाएगा उधर से, ठीक है। इसका व्यू इससे लगाया हुआ है, इसका इसी से लगा हुआ है, इसका भी उसी लॉजिक वाले से लगा हुआ है, मैंने कहा ठीक है। अब जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, डबल सर्किल किया मैंने इसको, अब आप ये काम कर सकते हो, इनको भी किससे कनेक्ट कर दो, लॉजिक वाले से, राइट क्लिक करोगे, लॉजिक वाले बटन पे जाना है, इस तरफ कनेक्ट एक्शन लिखा हुआ आना चाहिए, समझ में आई बात, राइट क्लिक कनेक्ट एक्शन, ये देख कनेक्ट एक्शन। अब जब मेरे पास सब कनेक्ट एक्शन से हो गया है, सही है, तो मेरे पास ये जो बटन 1, 2, 3, 4 और ये जो 5 तक का काम है ये मैं हटा दूंगी। अब मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ही मेथड है जो बटन लॉजिक के नाम से मौजूद है, ठीक है। अब इसको हमने सेव करा, एक मिनट चल रहा है, सक्सीड हुआ, अब ये डिस्प्ले कराया, मतलब आपकी अपनी मर्जी, आप अलग अलग ऑपरेट करना चाहते हो तो अलग अलग भी कर सकते हो, और अगर एक ही जैसा काम है, सही है। ये देखो ठीक है, अब ये चल रहा है, तो मैच ड्रॉ हो रहा है, क्या हो रहा है, हर बटन के उससे मेरे पास लॉजिक चेक करी जाएगी, क्या लॉजिक चेक करी जाएगी, कि ये तीन मेरे पास सेम है या ये तीन सेम है या ये तीन सेम है, ये हमारी लॉजिक बनेगी, यानी 1, 2, 3 ये वाले सेम होने चाहिए तो हम विन करेंगे, इस बटन के हिसाब से देखूं तो ये सेम होना चाहिए तो विन करूंगी मैं, ठीक है। इस बटन, अब ये जो क्लिकिंग हो रही है ना, इस क्लिकिंग को भी रोकना है कि भाई मैं दोबारा क्लिक करके इसको चेंज ना कर सकूं, सही है। बटन का मुझे क्या करना है, इनेबल जो है वो फॉल्स करना है कि इसके ऊपर दोबारा क्लिकिंग नहीं हो, कब तक, जब तक मैं रीसेट का बटन क्लिक ना करूं, सही है, बात समझ में आई। हाँ ये लॉजिक लगानी है, ठीक है। अभी हमने जो है वो सिर्फ एक ही बटन के साथ इसको कनेक्ट किया, सही है, इतनी बात समझ में आ गई, इसको यहीं तक कर लो, बाकी हम इसको बाद में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और ताकि जो है वो बाकी की लॉजिक लगा सके। इसको घर पे कोशिश करना कि घर पे करके इसको जो है वो इसकी इतने स्ट्रक्चर तक पहुंचो, ठीक है। और रीसेट एंड एग्जिट है ये, मैं फिर मैं बाद में कराऊंगी कि बाकी बटन्स की लॉजिक हमारे पास किस तरह लगेगी। अब हमें चलाना है, अब हमें गेम की लॉजिक लगानी है, एक तो इनेबल वाला काम करना और एक गेम की लॉजिक लगानी है।